It is here to try to work in the matter. But I'm going to shut the other part of the country. To go for the person to study. Oh, what's in that, inshallah? They're going to swim one day. जनाब एक सिलसिला हमने शुरू किया है आपके बाद जो कामयाबी मिली पार्लियामेंट के इलेक्शन में उसके बाद हमने कोशिश की कि हर ब्लॉक में वापस जाएं और अपने साथियों को शुक्रिया करें और साथ साथ ये भी तजिया करें कि इस इलेक्शन में क्या पोजिशन रही उस पार्टी की कहाँ और मजबूती करने की जरूरत है वहाँ कुछ कमी रही है और एक हमेशा रिवायत ये रही है कि जब इलेक्शन होता है हम लोग वोट मांगते हैं वोट के बाद काउंटिंग होती है काउंटिंग के बाद रिजल्ट निकलते हैं और चाहे जीत हो या हार हो उसके बाद मुड़ के अगले इलेक्शन तक कोई खबर नहीं लेता है अपने साथियों की तो आज हमने वो सब बदला है हम लोग एक वसी प्रोग्राम हमने मतलब किया है जिसमें साउथ कश्मीर हमने मुकम्मल किया कल से हम नॉर्थ के जिलों में आए हैं कल बारामूला और संगमा कॉन्स्टिट्यूंसी का हुआ आज हमने पटन और अब गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में हम भी सुबह से बाहर हैं यहीं पर जो भी तफसीलात हैं आपके जरिए मिली कोई अभी डिटेल्स फार्मूल नहीं हुई कि ये क्या किस किस्म का है और किस गुना किया गया है शाम तक पता चल जाएगा तो वाजे होगा अगर उनकी कोई जायज़ डिमांड होगी या कोई जायज़ तरीके का कोई होगा तो सारी डिटेल शाम तक पता चल जाएगी ऐसे मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये क्या कॉन्फ्रेंस हमेशा बातचीत की हमने अगर आपने कवर किया होगा कि हमने हमेशा ये कहा कि हर तबका फिक्र से बातचीत करनी चाहिए इस मसले का हल सिर्फ बातचीत में है और बातचीत माने केस होनी चाहिए बातचीत रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए और इसका एक दायमी सियासी हल निकालना चाहिए उसके बगैर कोई चारा नहीं है यही बात हमारे लीडरान ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कही यही बात हमने बाहर भी कही यही बात हमने हुकूमत में भी कही यही बात हमने हुकूमत से बाहर कही ये बड़े अफसोस की बात है ये कोई एहसान नहीं करना है उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम से ये हमारा जमहूरी हक है पूरी रियासतों में जहाँ जहाँ इलेक्शन ड्यू थे वहाँ टाइम पे हुए पार्लियामेंट का इलेक्शन टाइम पे हुआ गवर्नर साहब बड़े छाती पीटते हैं अपनी कामयाबी की उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन किए हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन किया और उनके बकौल वो कहते हैं कि चिड़िया भी कहीं जख्मी नहीं हुई अगर इतने अच्छे बेहतर माहौल हैं तो असेंबली का इलेक्शन कर ताखिर करना कोई जवाब नहीं बनता हमने उनको दोबारा कहा है कि इसको जो है जल्द से जल्द किया जाए एक गवर्नर साहब और उनके कुछ चंद अफसरान के हाथ में यहाँ की जो है गवर्नेंस की बागडोर ज़्यादा देर नहीं रख सकती रखी जानी चाहिए क्योंकि लोगों के मसाइल और बढ़ते हैं इनसे रबता नहीं होता इनसे बातचीत नहीं हो पाती आप यहाँ के डेवलपमेंट का हाल देखिए सड़कों का हाल देखिए यहाँ गुर्बत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है अफसरशाही के निज़ाम में फंसे हुए हैं यह ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगा हमने कल भी कहा अगर उन्होंने जल्दी कोई ऐसा फैसला नहीं किया हम इलेक्शन कमीशन से भी गुजारिश करेंगे मरकजी सरकार से भी करेंगे अगर नहीं हुआ तो हमको मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।